नमस्कार, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, चाय पानी खाना पीना खाया सबने? है ना? अच्छा, इसके बाद देखा चैनल वाले बड़े चलाक होते, पहले इंटरव्यू लो फिर खाना लगाएंगे। खैर, एक बार अपने लिए जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि थैंक यू सो मच मीडिया, आप हो तो हम हैं, आपने इतना हमारा वेट किया। और वैसे भी आपको पता, जजी से ज़्यादा मुझे टाइम लगता है क्योंकि मेकअप में आप सब। अच्छा, आज सुंदर लग रही हूँ ना मैं? किसने का बहुत ज़्यादा है, बड़े नशीलियों के बोला भाई साहब, बहुत ज़्यादा। खैर, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना हंस क्यों रही हूँ। अरे वाह, दो तीन मेल अर्चना पूरन सिंह भी बैठे हैं। खैर, मैं आप लोग का काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी बोलती हूँ आजकल लोग मजाक में उड़ा देते हैं, उनको हंसने लग जाते हैं। कल इतनी तबीयत खराब थी मेरी, मैं इंजेक्शन लगवाने गई डॉक्टर के पास, जैसे उसने इंजेक्शन लगाया मैंने कहा डॉक्टर प्लीज। अच्छा, मजाक कर रही है। क्या इस बार नया है, क्या चेंजेस है इस बार? ये सातवां साल है जी, तो 7 साल से जुड़ी हूँ मैं इसके साथ, और इस साल टैलेंट और ज्यादा अच्छा हो गया, और बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें हैं जो पहले कभी किसी भी टीवी चैनल पर किसी भी शो में दिखी नहीं है। तो और मेरे ख्याल से जो चीज़ें पहले जो एक्ट्स देख चुके हैं उसके अंदर भी ज़्यादा बेहतर एक्ट्स आए हैं, बहुत खूबसूरत टैलेंट, छोटे गांव से भी कमाल के गाने वाले, छोटे शहरों से मलखम करने वाले। और मेरे ख्याल से एक और हमें जो आई डोंट नो इफ आई एम अलाउड टू से दैट अबाउट द आइस थिंग, आइस के ऊपर भी बहुत कुछ इस बार नया है जो मैम बता रहे हैं। हाँ जी, आप ऐसे डायरेक्टर बहुत क्रिटिकल रहे हैं, तो क्या इस बार जज करने में भी उसी तरह की अटेंशन देंगे, जो भी अटेंशन आप एज अ डायरेक्टर देते हैं अपनी फिल्मों को? जी सॉरी, क्या था? इस बार जो आप इंडिया गॉट टैलेंट जज कर रहे हैं, तो इस बार सेम अटेंशन देंगे जैसे आप डायरेक्शन में देते हैं फिल्मों को देते हैं, उसी तरह का अटेंशन इस? देखिए, जो भी मैं करता हूँ वो मेरी यही कोशिश रहती है कि जो भी मैं करता हूँ वो इंटायरली अपने फोकस से और ध्यान से लगन से करूं, तो चाहे वो जजेस, चाहे वो रियलिटी शोज को जज करना हो या फिल्में बनाना हो, आई डू इट विद इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड पैशन। तो यही मेरी हमेशा यही कोशिश रही है, एंड आई हैव एंजॉयड डूइंग एवरी सीजन ऑफ इंडियाज़ गॉट टैलेंट, और ये साल मेरे लिए कोई अलग नहीं। तो शो बहुत अलग है, लेकिन मेरे लिए वही जोश है, वही जुनून है, वही इज्जत है फॉर द टैलेंट।